हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जो हैं आपको बताएंगे इश्क मुर्शिद के रिव्यू के बारे में, उसके ड्रामे के बारे में कि हमें कौन सी जो एक्टर्स अच्छे लगे या जो है कहाँ से जो ड्रामा बहुत ही बोरिंग होने लगा और जो उसके व्यूज़ क्यों कम आ रहे थे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। तो गाइस देखें, जब से जो है मुझे तो ड्रामा जो है बहुत ही बोरिंग लगा, तब से जो है शिप्रा और क्या है हमारी जो है शामिर की शादी हुई है, ठीक है ना। तो तब से जो है वो बिल्कुल बहुत ही जो है पता नहीं किस मोड़ पे ड्रामे को लेके चले गए। कोई जो है रोना सोना स्टार्ट हुआ, कोई ट्विस्ट ही नहीं है इसमें, कोई ट्विस्ट क्यों नहीं आ रहा है, कि उनकी शादी हो गई है। तो उनको ये नहीं करना था, उनको जो है लेके चलना था लास्ट एपिसोड तक कि उनकी शादी नहीं करवानी थी, उनको थोड़ा तड़पाना था एक दूसरे को। और ड्रामे में ऐसे ट्विस्ट होता है, लेकिन क्या है उनकी शादी उन्होंने ऐसे ही करवा दी, फिर क्या है वो ड्रामा बहुत ही बोरिंग होने लगा और उसके व्यूज़ जो कम आने लगे। तो यही रीज़न है कि मेरी थिंकिंग तो यही कहती है कि आना ये वजह हो सकती है कि ड्रामा जो है बहुत ही बोरिंग इसलिए हो गया और व्यूज़ ज़्यादा कम इसकी वजह से हो गए। तो अगर आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में मुझे बताना कमेंट में, हर चीज़ बताना कि आपको कौन सी ड्रामा अच्छा लगा, कौन सी आपको जो एपिसोड अच्छा लगा और जो है कौन सा जो है आपको एक्ट्रेस में अच्छा लगा। तो ये सब बताना मुझे कमेंट में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।